नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। और दोस्तों, आज इस सिचुएशन में कोविड-19 की जो हमें पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसके दौरान हम सब ने अपने आप को घर पे क्वारंटाइन कर दिया है, घर पे ही रखा है अपने आप को, ताकि कोई समस्या ना हमारी वजह से हो ना हमें हो। तो मैं भी आज 2 दिन से घर पर हूँ, और मुझे लगा घर पे हूँ तो भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, पढ़ता रहूँ, कोशिश करूँ जो भी पढ़ूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो उसी मुहिम में मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस समय का सदुपयोग करें, घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, सिर्फ प्रिकॉशन लें, और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, हम सबको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक एडवांस रूलिंग के ऊपर है। हम जानते हैं एडवांस रूलिंग की परसुएसिव वैल्यू है दोस्तों। परसुएसिव वैल्यू कैसे, कि जो भी एडवांस रूलिंग सॉर्ट करता है, ये एडवांस रूलिंग सिर्फ उसी के ऊपर लगती है, ठीक है जी, और किसी के ऊपर नहीं लगती। लेकिन एक परसुएसिव वैल्यू होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ज़रूर होती है। तो आज की जो एडवांस रूलिंग है वो गोवा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की है, जिसमें गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो एप्लीकेंट है, और उसने एक सवाल पूछा है। मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ उसके बारे में। गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली एक लैंड अलॉट करने का सोचा, और सात अलॉटीज उसने लिए, उसने डिपॉजिट रिसीव किया और एक SEZ बनवाने की बात की। और SEZ जो है, लेकिन बाद में लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, तो गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को वो पैसे रिफंड करने पड़ गए। एप्लीकेंट्स जिन्होंने वो जो डिपॉजिट दिए थे, उन्होंने कहा नहीं, पैसे जो है, आप हमें सिर्फ पैसे नहीं, हमें इसके ऊपर तो कंपनसेशन भी चाहिए। दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 8.25% पर एनम जो है वो कंपनसेशन अवार्ड किया, जो भी डिपॉजिट GIDC को उन डिपॉजिटर्स ने दिया था फॉर दी अलॉटमेंट ऑफ द लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ SEZ। तो उसके बाद GIDC जो है वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गया, और उसने पूछा कि क्या ये जो पैसा, जो कंपनसेशन मैं दे रहा हूं, क्या ये टैक्सेबल है? अगर ये टैक्सेबल है तो किस रेट पर है? तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इस बात को एनालाइज किया, और उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये समझने की है कि क्या ये सप्लाई है। तो उन्होंने कहा भी सेक्शन 7 की कंडीशंस पूरी होती हैं, ये जो है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फॉर ए कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन GIDC ने पैसा दिया, और जो सामने वाले जो डिपॉजिटर्स थे, जो जिनको प्रोस्पेक्टिव लैंड अलॉटमेंट करना था, उन्होंने अपना जो क्लेम है इन द अलॉटमेंट ऑफ द लैंड वो वेकेट किया। तो कहीं ना कहीं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, एंड क्विड प्रो क्यू भी है, फॉर अ म्यूचुअल कंसिडरेशन भी है। तो उसने कहा कि ये जो है वो सप्लाई है और टैक्सेबल है, और उन्होंने इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात जो ये है कि इन्होंने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने, गोवा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इसको शेड्यूल 2 में पैरा नंबर 5 के क्लॉज ई में फॉल कराया, जहां पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. इसके अंदर इसको फॉल कराया, जिसकी वजह से ये सप्लाई ऑफ सर्विस बना। ये क्लॉज भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है इस तरह के वेकेटिंग ऑफ क्लेम में, टॉलरेटिंग एन एक्ट में। तो ये मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट एडवांस रूलिंग है, जो कि एक जनरल इशू को एड्रेस करती है, और हमें समझाती है कि किसी भी ट्रांजेक्शन की टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोविड-19 से लड़ने के लिए एकजुट रहें, साथ रहें, अपने आप को बचाएं, लोगों को बचाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।